शिमला तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे दी लॉ यूनिवर्सिटी दा 5 मंजिला होस्टल ढह ढेरी हो गया। होस्टल दी इमारत सकिंडा दे अंदर मलबे च तब्दील हो गई। कट्टा वेले इमारत च कोई मौजूद नहीं सी। सूचना मिलन तो बाद प्रशासनिक टीम मौके ते पहुंच गई ने। एक घटना शिमला तो करीब 20 किलोमीटर दूर धामी च वापरी है। दरअसल लैंडस्लाइड कारण एक हफ्ता पहला इमारत च तरेड़ा आ गई सन। खतरे नु देखते हुए इमारत नु खाली करवा दिता गया। शिमला तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे दी लॉ यूनिवर्सिटी दा 5 मंजिला होस्टल ढह ढेरी हो गया। होस्टल दी इमारत सकिंडा दे अंदर मलबे च तब्दील हो गई। कट्टा वेले इमारत च कोई मौजूद नहीं सी। सूचना मिलन तो बाद प्रशासनिक टीम मौके ते पहुंच गई ने। एक घटना शिमला तो करीब 20 किलोमीटर दूर धामी च वापरी है। दरअसल लैंडस्लाइड कारण एक हफ्ता पहला इमारत च तरेड़ा आ गई सन। खतरे नु देखते हुए इमारत नु खाली करवा दिता गया। शिमला तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे दी लॉ यूनिवर्सिटी दा 5 मंजिला होस्टल ढह ढेरी हो गया। होस्टल दी इमारत सकिंडा दे अंदर मलबे च तब्दील हो गई। कट्टा वेले इमारत च कोई मौजूद नहीं सी। सूचना मिलन तो बाद प्रशासनिक टीम मौके ते पहुंच गई ने। एक घटना शिमला तो करीब 20 किलोमीटर दूर धामी च वापरी है। दरअसल लैंडस्लाइड कारण एक हफ्ता पहला इमारत च तरेड़ा आ गई सन। खतरे नु देखते हुए इमारत नु खाली करवा दिता गया। शिमला तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे दी लॉ यूनिवर्सिटी दा 5 मंजिला होस्टल ढह ढेरी हो गया। होस्टल दी इमारत सकिंडा दे अंदर मलबे च तब्दील हो गई। कट्टा वेले इमारत च कोई मौजूद नहीं सी। सूचना मिलन तो बाद प्रशासनिक टीम मौके ते पहुंच गई ने। एक घटना शिमला तो करीब 20 किलोमीटर दूर धामी च वापरी है। दरअसल लैंडस्लाइड कारण एक हफ्ता पहला इमारत च तरेड़ा आ गई सन। खतरे नु देखते हुए इमारत नु खाली करवा दिता गया।